नमस्कार, आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो DME 91.5। घड़ी में बज रहे हैं शाम के 6:10 और वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का। जी हाँ, आप सही समझे, रेडियो ड्रामा। आज का हमारा कार्यक्रम उस नाटिका पर है जो लिखा गया है घातक ग्रुप द्वारा और जिसका शीर्षक है, अरे जहां लोटा वहां नहीं है शौचालय। अरे माधुरी बेन, नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे नमस्ते गोपी भाई, सच बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी आप ही को याद कर रही थी। वो क्या है ना, हम सोसाइटी की तरफ से एक ड्रामा करने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, एंड आपके लिए भी एक रोल है। अरे माधुरी बेन, हम आपको क्या ही बताएं, जब से हमने ये कच्छा मैक्सी और गांव का धंधा शुरू किया है ने, हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं रहा है। क्या गोपी भाई, अच्छा माधुरी बहन, पर ये नाटक का नाम क्या है? जहां लोटा वो नहीं है शौचालय। ओ, क्या नाम है, बहुत ही गंदा, मतलब बहुत ही अच्छा नाम है माधुरी बहन, मतलब सुन के ही बहुत अच्छा लगा है। पर एक बात बताइए, अगर हमें, आप कह रही हैं इसमें ड्रामा करना है, तो वो जो होता है ना, बड़े बड़े हीरो लोगों को एकदम बनाटू के एकदम चमचमा बना के लल्लन टॉप लगते हैं वो, जो वो क्या हमारे साथ भी होगा? क्या हमें कुछ पहनना वहनना होगा एकदम चमकीला सा? अरे ज्यादा तामझाम नहीं है रे गोपी भाई, आपको सिर्फ एक काला कुर्ता पैजामा और लाल दुपट्टा ओढ़ना होगा। ओ, दुपट्टा माधुरी बहन, लाल दुपट्टा, वो भी, तो मैं वहां जाऊंगा और गाऊंगा, लाल दुपट्टा उड़ गया देखो हवा के झोंके से। अरे व्हाट क्या गोपी जी, नहीं ये कमर्शियल ड्रामा नहीं है, हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। ओ अच्छा, माफी माफी। तो अगर ऐसी बात है, तो वो आप लोगों की कुछ होती है ना लिखित, वो क्या बोलते हैं उसको, जो बोलना होता है, स्क्रिप्ट? हाँ स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट होगी तो लाइए दीजिए, हमें भी वो लिखित स्क्रिप्ट चाहिए भाई, याद करना पड़ेगा हमें, आखिर एक्ट करना है, लोगों को दिखाना है, ड्रामा करके दिखाना है गोपी भाई को। हाँ जी, स्क्रिप्ट है और कविता फिलहाल स्क्रिप्ट पर काम कर रही है, जैसे ही वो खत्म होगी आपको मिल जाएगी। ध्यान से दी जाना माधुरी बहन, कहीं आखिर में डायलॉग भूलकर हम ही स्टेज पे कांपने लगे तो हमारा तो लौलुआ हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है माधुरी बहन, ठीक है, मिलते, नमस्कार नमस्कार, हाँ मिलते हैं, हाँ। नमस्कार। अरे आइए आइए, नमस्कार, बैठे बैठे कुछ लेंगी आपका कविता जी, चाय पानी? जी शुक्रिया, एक ग्लास पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्यास लगी है। ओहो वो बड़ा लोटा मैं खुद ही ले लेती हूँ जाके। अरे नहीं 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 अरे नहीं, वो लोटा नहीं उठाइएगा। ओह अरे पर क्यों? वो लोटा दरअसल मेरे कुछ नहीं, मतलब कुछ कामों में इस्तेमाल होता है, तो उस लोटे को रहने दीजिए। दीनानाथ जी, क्या आप वही कहना चाहते हैं जो मैं सोच रही हूँ? जी कविता जी, आप शायद सही सोच रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। ये इतनी गलत बात है दीनानाथ जी, आप जानते हैं ना खुले में शौच करना कितना हानिकारक होता है, कितनी सारी बीमारियां लाता है ये अपने साथ। जी कविता जी, मुझे पूरा एहसास है और पूरा अंदाजा लग रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं हमें। तो तब भी आप लोटा इस्तेमाल करते हैं? अरे वो बस क्या बताएं, अब बात बस इतनी सी है, हम ठहरे गरीब आदमी, हम सोचते हैं जितना पैसे टॉयलेट बनाने में लगे, 2-4 पैसों को क्यों ना बचा के भविष्य के लिए ही रख लिया जाए। ये बहुत गलत सोच है। खैर इसी विषय में चाहते ही मैं आपके पास आई थी। दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप एक ड्रामा में हमारे साथ एक रोल करें, और ड्रामा हमारा आश्चर्य से इसी विषय के बारे में है कि खुले में शौच करना कितना गलत है, सेहत सुरक्षा और प्रकृति तीनों के लिए इतना हानिकारक है। जी कविता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे मेरी गलती का एहसास पूरा है, मतलब ऐसा करते हैं मैं आज ही जाके घर में शौचालय बनवाने की बात करूंगा, जिससे जल्द ही जल्द वो बन जाए। बहुत अच्छी बात है दीनानाथ जी। जी कविता जी, लेकिन एक सवाल था हमारे मन में, वैसे कौन कौन हमारे इस ड्रामे का हिस्सा है, मतलब जो आपका स्क्रिप्ट व्रिप्ट है उसमें कुछ और लोग भी तो होंगे।
काफी लोग जुड़े हैं हमारे साथ। माधुरी जी और मेरे साथ साथ पास में रहने वाले सुखविंदर प्राग, गोपी भाई और बहादुर भी इसी ड्रामा का हिस्सा होंगे। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है, अब मुझे और खुशी होगी अपना योगदान देने में। भाई इतने सारे लोग हैं, एक इतने अच्छे टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हैं, तो बेशक हम अपना योगदान जरूर देंगे। तो कब आना है फिर, मतलब कहाँ आना है, कहाँ होगा ये ड्रामा, बताइए बताइए। अच्छा लगा जान के कि मुझे ये सारे सवालों के जवाब आपको जल्दी मिल जाएंगे। हम स्क्रिप्ट पे ही काम कर रहे हैं, कल तक आपको सब मैं बता दूंगी। बस अब मस्त एक्टिंग करना, अब पूरे किरदार में घुस जाना। और याद रहे, ये हम अपनी बाकी गांव वालों को जागरूक करने के लिए करेंगे। जी मैं पूरा ध्यान रखूंगा, पक्का जी। चलिए मैं चलती हूँ फिर, मिलते हैं हम जल्दी। नमस्कार। चलिए नमस्कार, मिलते हैं फिर। देखो आ गए भाई नाटक वाले, देखो देखो नाटक, देखो आ गए भाई नाटक वाले। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आओ आओ भाई नाटक देखो, आओ आओ भाई नाटक देखो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। ए आजा आजा आजा, तू घर में शौच बना जा। ए आजा आजा आजा, तू घर में शौच बना जा। झाड़ियों में छिपे हैं सैया ए दैया, झाड़ियों में छिपे हैं सैया ए दैया। बीमारी फैलाया रे झाड़ियों में छिपे हैं, बीमारी फैलाया रे झाड़ियों में छिपे हैं। सैया उसको मारो तुम दुंद दुंद दुंद, सैया उसको मारो तुम दुंद दुंद दुंद। ये आजा आजा आजा, तू घर में शौच बना जा। ये आजा आजा आजा, तू घर में शौच बना जा। अरे आइए आइए, पेश है एक नाटक जिसका नाम है टॉयलेट यानी शौचालय। इस खूबसूरत रंग बिरंगी दुनिया के बीच कहीं दूर या कहीं पास, कभी कभी एक चीज की कमी है जो सुनने में लोगों को गिलानी और समझने में घिन आती है। जी हाँ सही समझे, शौचालय। शौचालय योद्धा जी, मतलब शौचालय को बस एक छोटी सी जगह समझने वालों की सोच बदलने वाले, जिन्हें लगता है कि शौच होना एक पाप है और घर में शौच होना एक अशुद्ध चीज है। हाय रे बहादुर, तुम हमारे साथ चल रहे हो कि नहीं, या आज भी तुम्हारा पेट रुका हुआ है और तुम्हारी बाबासीर ने शामत खड़ी कर रखी है। तुम सब ना मजाक बनाए बैठे हो इन सबको, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां लगी है हमें, समझ नहीं आता लोटा उठाएं या घर पे सो जाएं। अरे भाई तुम बैठो, जब तक तुम उठोगे तब तक हम होके आके खाना खाके बत्ती बुझा के सो भी जाएंगे, समझे। अरे अरे ये देखो ये देखो, लेडी लोटा पार्टी भी आ गई है भाई लोग। अरे किधर जाना पड़ो है आज, सुना है पल्ली तरफ तो दूसरे गांव वालों ने हत्या ली है सुबह के वक्त। अरे का बताएं, बड़ी परेशानी हो गई है। जिस वक्त हम निकलते हैं उसी वक्त दूसरे गांव के मर्द आ जाते हैं, अब हमें बहुत शर्म आवे है जाने में। का बोले रहे तुम? अरे कछु तो नहीं, तुम्हारे ही कान बज रहे हैं, कहीं तुम्हारी औरत ने कान पर लोटा तो नहीं बजा दिया तुम्हारे। सुना है सरकार पंचायत के पास आई थी कुछ चार दीवार एक घर के कोने में खड़े करने की बात के विषय में। आए छी, ये वापस शुरू हो गए, अपने गांव में अशुद्धि लाने में सब तुले हुए हैं। ये शौचालय ला रहे हैं। भाई हम तो कभी ना जाए सोच उस कोने में जहाँ रसोई में खाना पके है, और ये लोग चार दीवार सोच है बनाने को। छी 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 छी, बीमारी तो तुम्हारे अब्बा लेके आते ना हमारे पास, जैसे शरीर देखो अपना, बीमार है नहीं तो कौन आवे है तुम्हारे पास। अरे देखो भाई, हम कछु नहीं जानते ठीक है, हम अपने आंगन में तो ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाने वाले जिससे कि हमें और हमारे आसपास वाले लोगों को घिन आए। भाई घिन कतई नहीं बाबा, कतई नहीं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। क्या आपके खाने में नमक है, क्या आपके घर में पानी है, और क्या आपके घर में शौच है?
अगर हाँ तो भैया तुम समझदार हो, बलवान हो। जहाँ दरवाज़ा बंद होता है वहाँ बीमारियाँ दूर होती हैं, दूर होती हैं। और जहाँ बीमारियाँ बंद हो तो कोई और पास आवे है, पास आवे है, पास आवे है। महात्मा गांधी ने कहा है हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा देश हमारा, और हमारी सरकार ने इसमें कमी नहीं छोड़ी, बस कमी है हमारी सोच में। मित्रों, अपनी सोच में बदलाव लाओगे तो देश खुद ब खुद बदलेगा। अपने घर में शौचालय बनाओगे, सफाई और स्वच्छता खुद ब खुद पास आएगी और बीमारियां दूर चले जाएंगी। मित्रों, और इसी मिशन में हम आए हैं आपके लिए, आपके पास, आपके साथ, आपको समझाने। जी हम है पीएम, अरे नहीं नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पोस्टमैन यानी डाकिया। सरकार की छोटी सी और स्वच्छ बातें आप जैसे गांव के आम लोगों के पास तक पहुंचाने वाले, और क्या। तो भाई क्या समझे। मित्रों स्वच्छ रहिए, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन का पहला कदम स्वच्छता से ही बढ़ता है। ए, आजा, 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 तू घर में शौच बना जा। आजा 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 तू घर में शौच बना जा, झाड़ियों में छिपे हैं सैयाए दैया, झाड़ियों में छिपे हैं सैयाए दैया, बीमारी फैलाया रे झाड़ियों में छिपे हैं, बीमारी फैलाया रे झाड़ियों में छिपे हैं सैया, उसको मारो तुम दुंद 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 सैया, उसको मारो तुम दून 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 दून। ये आजा 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 तू घर में शौच बना जा, ये आजा 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 तू घर में शौच बना जा। जैसा कि आप सब ने अभी सुना, ये था हमारा आज का कार्यक्रम जहां लोटा वहां नहीं है शौचालय। ये ड्रामा प्रस्तुत किया गया था आपको घातक ग्रुप के द्वारा, और इसके किरदार थे माधुरी बहन जिनका किरदार निभाया वैलेंटीना ने, कविता जिनका किरदार निभाया गायत्री ने, गोपी भाई जिनका किरदार निभाया सिद्धांत ने, दीना नाथ जी जिनका किरदार निभाया दक्ष ने, सुखेंद्र बाजी जिनका किरदार निभाया अमनदीप ने, और आखिर में मोदी जी और बहादुर जिनका किरदार निभाया रजत ने। आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया। अब आपसे मुलाकात होगी कल, पर तब तक जुड़े रहिए डीएमई रेडियो 91.5 के साथ। शुक्रिया।